सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख क्या कहती है, इसमें कितने साल की पनिशमेंट में और किस प्रकार के व्यक्तियों को यह सजा दी जाती है और किस प्रकार के व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब भी करें उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या कहती है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पे, बात करेंगे क्योंकि 376 में स्पष्ट कहा गया है कोई भी महिला कोई भी स्त्री अगर किसी भी लोक सेवक या कोई भी पुलिस अधिकारी हो जेल हो उसकी अभिरक्षा में रहते हुए कोई भी कर्मचारी या लोक सेवक उसके साथ जबरदस्ती करते हैं या उकसाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए या उसके साथ गलत काम करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो लोक सेवक है उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 376 लागू होती है। क्योंकि जब तक वो अभिरक्षा में है किसी भी की देखरेख में है या जुडिशियल कस्टडी में है जैसी में है या जेल में है तो इस प्रकार की महिला के साथ अगर वहाँ की कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी हो उसके साथ उसे दबाव में लेकर या उसे किसी तरह नशीले पदार्थ खिलाकर उसे दबाव में लेकर या उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं या उसके साथ शारीरिक रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ 376 में मुकदमा दर्ज होता है, उसके खिलाफ 376 में मुकदमा दर्ज होता है और उनको 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है प्लस जुर्माना प्लस जेल हो सकती है। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कोई भी लोक सेवक या कर्मचारी उसकी अभिरक्षा में है तो वो व्यक्ति इस प्रकार का करते करता है तो वो दुष्कर्म की और बलात्कार की श्रेणी में आता है और उस अधिकारी को या उस कर्मचारी को या उस लोक सेवक को 5 साल से 10 साल की सजा हो सकती है प्लस जुर्माना प्लस जेल दोनों ही हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के नए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बने रहने के लिए नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। थैंक यू।